हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने लग रहे हैं ताइवान के टूरिस्ट वीज़ा के लिए इंडियंस और पाकिस्तानी भाइयों के लिए। यार अभी क्या है ना कि ताइवान का वीज़ा वैसे बहुत इजी है और वैसे साला बहुत ट्रिकी भी है। तो दो तरीके हैं ताइवान के वीज़ा लगवाने के, तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ताइवान का स्टिगर वीज़ा जो आपको मिलेगा ताइवान एम्बेसी या ताइवान काउंसलेट से। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसकी चेकलिस्ट क्या कहती है। तो देखो, किसी भी कंट्री का जो वीज़ा हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो ताइवान के केस में आपको ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही फिल करना पड़ेगा। बहुत इजी प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत बेसिक डिटेल्स इन्होंने मांगी है। बस आपके पास में आपके होटल का एड्रेस और फ़ोन नंबर होना चाहिए। वो आपको आज की डेट में यार आराम से आप booking.com से बुक करवाओ तो आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा और होटल का नेम और एड्रेस भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको भरना है ताइवान का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा और यहाँ मैं स्क्रीन पर भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ जाके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए। भर के इसका आपको प्रिंट निकालना है और इसको आपको साइन करके अपने साथ में कैरी करना है। पहला हो गया एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा हो गया आपका पासपोर्ट 6 महीने की वैलिडिटी के साथ में, 2 blank pages उसमें होने चाहिए बराबर। तीसरा हो गया आपका 2 white background के अंदर फोटोग्राफ्स, जिसका डायमेंशन साइज जो है 3.5x4.5 का होना चाहिए और इसके अंदर 60% फेस आपका विजिबल होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड के अंदर अच्छी क्वालिटी का आप करवाइए और या लेटेस्ट फोटो लीजिए, बहुत पुरानी फोटो मत दीजिए। इसमें भी ऑब्जेक्शन आते हैं कई बार, वो लोग नई फोटो की डिमांड करते हैं तो अननेसेसरी इसमें आपका टाइम जाता है। अगला जो डॉक्यूमेंट है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है आपका कवरिंग लेटर। अब देखो क्या है ना कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ सबमिट करते हो, काउंसलेट या जो भी कंसर्न बंदा है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म चेक करेगा, तो आप फिजिकली उसके सामने नहीं हैं तो वो आपको फिगर आउट आपकी पिक्चर नहीं बना सकता। अगर एक बहुत इम्प्रेसिव अच्छा कवर लेटर बना हुआ है ना, तो एक इमेज उसके सामने आ जाती है कि आप क्या हैं। तो आप एक अच्छा सा कवरिंग लेटर बना लीजिए जिसके अंदर आप अपने आप को डिस्क्राइब कीजिए, आपका प्रोफेशन डिस्क्राइब कीजिए, आपका आपके कंट्री से और आपका आपके फैमिली से टाइज जो हैं वो डिस्क्राइब कीजिए। जैसे कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, इतने साल का है वो, इतने साल का है वो, इस क्लास में है इस क्लास में है, लाइक दिस। कि उससे लगता है कि हाँ भाई बच्चे हैं, वाइफ है, कारोबार है, तो ये बंदा वापस आएगा। तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए कवर लेटर और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो, मतलब एक पेज का है तो मतलब मोर देन सफिशिएंट है। कवर लेटर बहुत ज़रूरी है, आपने बना लिया। अब देखिए अगला इसका है डे टू डे वाइज डिटेल आइटनरी। अभी काफ़ी बार देखने में आया है कि ताइवान केस में ये लोग अगर आप बहुत ऑर्डनरी एक आइटनरी बनाते हैं टेबल फॉर्मेट में तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपसे डिटेल आइटनरी मांग रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, day 1, day 2, day 3 वाइज आप एक एक पेज की आइटनरी बना लीजिए। मतलब एक पेज पे आपने day 1 लिखा, उसमें कुछ उसकी चीज़ें लिख लीजिए, यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, और आप उस जगह की एक एक दो दो फोटोग्राफ्स भी उस पेज पे लगा लीजिए, पेस्ट कर लीजिए। तो उससे थोड़ा सा और लगेगा कि बंदा हाँ रिसर्च करके आया है और ये जाएगा। तो कवरिंग लेटर और आपका डे टू डे वाइज डिटेल आइटनरी बहुत इम्पोर्टेंट है ताइवान के वीज़ा के केस के अंदर। इसके बाद में ये लोग मांगते हैं
एक साल का एफटीआर आप अपने साथ में 3 साल का लेके जाइए, 1 साल का मांगिए ठीक है, 3 साल का मांगिए ठीक है। इसके बाद में आपके फाइनेंशियल प्रूफ के अंदर आपका करंट अकाउंट का, अगर आप बिजनेसमैन हैं, और आपका सेविंग अकाउंट का 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट विथ सील एंड साइन बाय एनी बैंक ऑफिशियल, ठीक है। अब यह बैलेंस का देखो, उसमें ऐसा है कि तावर केस में अगर आपके अकाउंट में 1.5-2 लाख रुपए भी मेंटेन है तो चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत आपको 10-12 लाख लगाने हैं, 1.5-2 लाख रुपए है अगर मेंटेन कर रखा है आपने तो मोर देन सफिशिएंट है। अच्छा, अब ताइवान में यहाँ बड़ा कैच है, बिजनेस प्रूफ में क्या लगाएं। बहुत केसेस आ रहे हैं जहाँ ये लोग फाइल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली जब आप दिल्ली में जो इनकी एम्बेसी है वहाँ जाएंगे तो उन्होंने क्लियर एक बोर्ड लगा रखा है वहाँ पे, जहाँ लिखा है उन्होंने GST एंड MSME आर नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब GST और MSME को ये बिजनेस प्रूफ के रूप में कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो क्या लगाएंगे? तो जब मेरी बात हुई थी उनसे एम्बेसी में, तो उन्होंने बोला आप अपने शॉप का लाइसेंस, आपके पास में अगर कोई फूड लाइसेंस है या कोई भी ऐसा लाइसेंस हो, या जैसे मेरे केस में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, अगर ऐसा कुछ भी है तो आप वो लगा सकते हो। GST और MSME ये लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो मेरा जैसे चाइना से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रहता है तो मैंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले लिया था, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, बहुत ईजी है, 500 रुपये उसकी वन टाइम फीस है, और आपको हैंड टू हैंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल जाएगा, तो आप वो ले लीजिए, वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। GST और MSME वो लोग नहीं लेंगे एज ए बिजनेस प्रूफ के अंदर। अगर आप सैलरीड है तो वो देखो सिनेरियो उसका अलग है। तो GST का हो गया, आपके MSME का बता दिया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस या जो कुछ और होगा वो हो गया, फोटोग्राफ हो गया। तो अच्छा, अब दो और मोस्ट कॉमन जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको लगभग हर वीज़ा में लगाने होते हैं, वो है आपकी रिटर्न टिकट और आपकी होटल कंफर्मेशन। ताइवान के केस में आप डमी टिकट, होल टिकट या कंफर्म टिकट लगा सकते हैं, वो आराम से एक्सेप्टेबल है। मैंने भी डमी टिकट ही लगाई और उन्होंने मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की थी। इसके अलावा आपकी सेम आपकी होटल टिकट्स भी आप करवाइए आराम से, booking.com से करवाइए, MakeMyTrip से करवाइए, पेड अनपेड, पे लेटर, पेड प्रॉपर्टी, कोई भी आप स्कीम में करवाइए, लेकिन ये दोनों आपको रेफरेंसेस वहाँ देने पड़ेंगे। अच्छा, अब आप जब आइटनरी डिज़ाइन करते हैं ना, तो आप होटल भी इसी हिसाब से बनाइए कि ये लोग बहुत उसको बारीकी से देखते हैं। जैसे आपने 7 डेज की आइटनरी इनको दी है, आपने बताया 2 दिन मैं ताइपे में रहूँगा या 2 दिन कहीं और ताइपे से बाहर रहूँगा, तो आप उसी अकॉर्डिंग इनको होटल की बुकिंग्स उसी डेट की दीजिए, बराबर। ऐसा ना हो कि आपने आइटनरी में 3-4 सिटीज दिखाई हैं और आइटनरी आपने होटल बुकिंग एक ही पूरे आपने एक 10 दिन की या 7 दिन की एक ही होटल बुकिंग दिखा दी, तो उससे भी डाउट जाता है। तो ये जो पूरा ट्रिप प्लान कर रहे हैं सोच समझ के कीजिए, और बहुत दिमाग में आप यही रखिए कि आप घूमने ही जा रहे हैं और जो आप आइटनरी बना रहे हैं उसको आप फॉलो करेंगे, तो आपसे ये सिली मिस्टेक्स आपसे नहीं होंगी। अच्छा, ये बेसिक डॉक्यूमेंट लगने, इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस और आपका कोविड का वैक्सीन सर्टिफिकेट आप साथ रख लीजिए। अगर ये लोग लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, ये हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ। आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस आप हमेशा साथ में कैरी के लिए आपका ही बेनिफिट है। तो देखो, ये है मोटा मोटी डॉक्यूमेंट्स। फीस ये लोग सिर्फ कैश के अंदर लेंगे, 3800 इंडियन रुपीज़ इसकी फ़ीस है। सिंगल एंट्री का वीज़ा मिलेगा, 15 डेज का आपको स्टे मिलेगा, 3 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। ताइवान का जो वीज़ा सबमिट होगा एम्बेसी के अंदर या काउंसलेट के अंदर, उसका टाइम है 9 से 11 बजे सुबह, और ये लोग टाइम की बहुत पाबंद है। अगर आप 11:05 पर पहुँचोगे ये आपका एप्लीकेशन नहीं लेंगे, बोल देंगे कल आइए। तो 9 से 11 मतलब 2 से 11 ही है, तो आप थोड़ा सा जल्दी पहुंचिए ताकि आपका दिन ख़राब ना हो। अच्छा, ताइवान की सबसे अच्छी बात क्या है,
अगर आप वहाँ गए जैसे मैं बाहर पहुँचोगे, विंडो बनी हुई है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक कराओगे, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक करेगा। अगर उन्होंने आपकी फाइल ले ली, इसका मतलब है आपको वीज़ा मिल गया। मतलब ये हुआ वो फाइल आपसे तभी लेंगे जब उन्होंने आपको वीज़ा देना है। वो अननेसेसरी बर्डन नहीं रहते कि आपसे फाइल ले ली, आपसे वीज़ा फीस डिपॉजिट करवा ली, उसके बाद वो वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। उनके कोई लोड नहीं है सर। आपकी फाइल जमा हो चुकी है, आपको फीस वीज़ा फीस जमा कराने के लिए बोल दिया गया है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने आपको वीज़ा देना है। बहुत सिंपल है। और ताइवान का वीज़ा बहुत जल्दी आता है। नॉर्मली सेकेंड डे या थर्ड डे ये लोग वीज़ा दे देते हैं, नॉर्मल जो कैटेगरी है। और एक्सप्रेस कैटेगरी में आपको वीज़ा नेक्स्ट डे मिल जाएगा। उसका शायद 5800 कुछ है। तो मैंने नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई किया और मेरा सबमिट हुआ था 19 मई को। आज है 20 तारीख, 20 मई जो वीडियो बना रहा हूँ, और मेरा पिकअप जो पासपोर्ट का पिकअप है दैट इज़ ऑन 23rd मई। तो भाई ये था पूरा ताइवान वीज़ा का पूरा प्रोसेस। बस इसके अंदर यही कैच है, बिजनेस वालों के लिए ये GST नहीं लेंगे, उसके लिए आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट उनको देने पड़ेंगे। इसके अलावा बाकी सारे चेकलिस्ट वही है जो अमूमन सारी कंट्रीज़ के लिए, शेंगेन वगैरह के लिए होते हैं, और ऐसा कुछ नया नहीं है। बस अगर वहाँ गए, आपका उन्होंने एप्लीकेशन या आपकी वीज़ा फाइल ले ली है, इट मीन्स आपका वीज़ा लग चुका है।